मित्रों, कांग्रेस पार्टी आज एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए इस कगार पर पहुंची है कि वो और उनके साथी नेता मणिशंकर अय्यर जी और फारूक अब्दुल्ला जी एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है ऐसा कहकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ताक पर रखने की बात करें। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत, भारतीय जनता पार्टी ने कभी रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाया। पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हो, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए, आज का कश्मीर है। दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आज एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए इस कगार पर पहुंची है कि वो और उनके साथी नेता मणिशंकर अय्यर जी और फारूक अब्दुल्ला जी एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है ऐसा कहकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ताक पर रखने की बात करें। मैं इस अप्रोच की घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये इतने डेस्परेट हो गए कि झूठ फैलाने से बाज नहीं आते। वो कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीटें मिली तो मोदी जी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता और विशेषकर तेलंगाना की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत, भारतीय जनता पार्टी ने कभी रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाया। हमने हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने के लिए किया, यूसीसी लाने के लिए किया। हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग हमने ट्रिपल तलाक समाप्त करने के लिए किया, राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने के लिए किया। जोर से बोलो, चाहते हो? भाइयों बहनों, इन लोगों ने तुष्टिकरण की राजनीति करने में कोई कसर नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, छोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एटम बॉम्ब है। मुझे बताओ गोंडा के युवानों, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? भारत इसको छोड़ सकता है क्या? ये फारूक अब्दुल्ला, इंडी अलायंस के नेता और मणिशंकर अय्यर हमें डराते हैं। अरे फारूक जी, मणिशंकर जी, डरने वाली सरकार गए, 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार। मैं आज इस गोंडा की पवित्र भूमि पर, लाड़ी जी की और पतंजलि की भूमि पर कह कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, दुनिया की कोई ताकत हमसे उसको छीन नहीं सकती। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए? अरे जोर से बोलो भाई। ये कांग्रेस वाले कहते हैं हम धारा 370 को वापस लाएंगे। राहुल बाबा, 70 साल से आप धारा 370 को संभाल कर बैठे थे। कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरता था, आतंकवाद फैला था। मोदी जी को यूपी वालों ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त। आज से 9 वर्ष पहले भारत के अंदर पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं घुस सकते थे। आज नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती हैं जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। हर केंद्रीय मंत्री हर 15 दिन में वहां जाकर के 3 दिन वहां कैंप करता है, गांव में जाता है, वहां का प्रशासन जाए ना जाए लेकिन केंद्रीय मंत्री वहां जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को रिपोर्ट करता है कि नहीं ये कार्य हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों को इस रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्वोत्तर का ये संवाद आज वहां को पूरी तरह अलगाववाद से मुक्त कर चुका है। जम्मू और कश्मीर आपके सामने है। अभी G20 का समिट जम्मू कश्मीर में हुआ। दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि और अन्य 7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए, ये आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है, यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। और कांग्रेस हमारी सरकार के ऊपर, मोदी जी की सरकार के ऊपर आरोप लगाती है कि यदि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, भारत का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप ही लोगों की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस तरीके से भारत के ऊपर इमरजेंसी उन्होंने थोपी थी और लाखों की संख्या में लोगों को, निरपराध लोगों को जेल के सिक्कों के पीछे डाल दिया था। बहनों भाइयों, 18 महीने तक मैं भी इसी कांग्रेस की सरकार की इमरजेंसी के दौरान जेल में रहा, हमारे जैसे लाखों लोग जेल में रहे। मुझे इसी हुकूमत ने 2.5 महीने तक तनहाई भी दी है, सॉलिटरी सेल में मैं रहा हूं। माता की मृत्यु भी हो गई तब भी उसका संस्कार करने के लिए भी उन्होंने पेरोल मुझे नहीं दिया था। वो आज लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हैं। जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। बहनों भाई, हमने जो कहा है वह किया है। मुझे याद है कि 1984 में हमारा घोषणा पत्र बना था, उसमें हम लोगों ने कहा था जिस दिन संसद में हमको बहुमत मिलेगा अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आपने संसद में बहुमत दिया, ईश्वर की कृपा थी, भगवान राम की कृपा थी कि अयोध्या की धरती पर उसी भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। और आज मैं मध्य प्रदेश की जनता को इस विशाल सभा के माध्यम से संदेश देकर जाना चाहता हूं, भगवान राम अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी कांग्रेस के लोग हम लोगों पर आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। आज जम्मू काश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। अब बैठ जाइए गणेश, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। आज जम्मू काश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। और बहनों भाइयों, आज जम्मू काश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है
पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है, विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, अब यह मानकर चलते हैं क्या क्या हमारी सरकार ने किया है।